जय साईं राम। आप सबका हमारे खास कार्यक्रम साई संदेश में आपका स्वागत है। साई संदेश ऐसा कार्यक्रम जो आपको हर बार लेके आता है एक ऐसे वक्त को जिसने बाबा को बहुत अपने नज़दीक पाया। उसने देखा कि उसकी उस कठिनाई में जहाँ कोई खास व्यक्ति भी मदद करने से दूर हो जाता है, जहाँ मदद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहाँ उनको साई किसी ना किसी रूप में उनका सहारा बन जाते हैं। साईं कभी किसी की पैसा देके मदद करते हैं, तो कहीं साईं डॉक्टर बन के मदद करते हैं, तो कहीं कभी साईं उनको एक ऐसे रूप में दिखते हैं जो उनके लिए अपना लगता है। कोई साईं को अपना गुरु, तो कोई साईं को अपना पिता मानता है, तो कोई साईं को अपना अतीत नज़दीक पाता है। और ये सत्यता भी है कि साईं हर व्यक्ति के पास हैं, उसके जो साईं को अपना मानता है। साईं ने कहा कि दो बातों पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान देता है या याद रखता है या अपने जीवन में उतार लेता है तो इसका जीवन सुख में हो जाता है, और वो दो शब्द हैं श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मुझ में विश्वास रखेगा, यानी कि जो मेरे पे श्रद्धा रखेगा और सबूरी रखेगा और इंतज़ार करेगा, मुझे वो अपने नज़दीक पाएगा। और ऐसा होता भी है। आज हमारे साथ एक ऐसी साई भक्त हैं जिन्होंने बाबा को अपने बहुत नज़दीक पाया। ये बाबा को अपना पिता मानती हैं और इनका ये कहना है कि जब मेरे पिता की डेथ हुई उसके बाद से मैंने बाबा को ही अपना पिता मान लिया। शायद मेरे पिता जीवांत होकर भी मेरी वो मदद नहीं कर पाते जो बाबा के रूप में मुझे मदद मिलती है। इनके साथ एक ऐसी घटना है, एक ऐसा अनुभव है जिसको सुनने मात्र से ही हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके पति को 11,000 वोल्ट की लाइट से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बाबा उनको कैसे जीवन दिलाते हैं, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ हैं आज वो महिला जो अपनी ही जुबान से अपने ही शब्दों से बताएंगी कि बाबा ने कैसे इनके पति के प्राण बचाए। आइए बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। ओम साई राम। मैम, हम जानना चाहते हैं कि जो घटना आपके पति के साथ हुई हमारे दर्शकों को आप विस्तार में बताएं। ऐसे है सर, मैं 2003 से बाबा की शरण में गई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि बाबा ने मुझे एक पिता के रूप में मेरे सिर में ऐसे हाथ रखना है। 2015 पर मैं बाबा की पालकी की तैयारी कर रही थी जो मात्र 19 दिन बाद होनी थी। मैं अपनी बेटी को कोचिंग से छोड़ के आ रही थी। हमारे घर में वुडवर्क चल रहा था, वो उसका एक थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा हमारी रसोई की नाली में फंस गया। हमारी काम वाली आई, इनसे बोली भैया उसमें पानी जम रहा है। ये ऊपर से लोहे की रॉड लेकर आए थे जो हमारे घर के आगे से हाई टेंशन तार जाती है 11,000 वॉट की जा रही थी, और 2 घंटे पहले ही बरसात हुई थी जो तारें गीली थी। ये रॉड लेके उतर रहे थे, ना जाने कैसे रॉड ने अपने हाई टेंशन तार ने उनको रॉड को खींच लिया। जैसे ही रॉड को इन्होंने खींचा तो इनके वहाँ से एक पटाखे से आवाज़ आई। मैं अंदर थी, एकदम बाहर निकली, अचानक मैंने देखा कि वो रॉड नीचे गिरी पड़ी है। और मैंने अपने ड्राइवर को बोला ऊपर जाके भैया को देखो, भैया की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो ऊपर गया और चिल्लाने लगा, भाभी ऊपर आइए, भैया बेहोश लेटे हुए हैं। उनके दोनों हाथ फट चुके हुए थे और ये इनको बिल्कुल होश नहीं आ रहा। मैंने इनको उठाने की कोशिश की, ये बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। फिर मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि चलो इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आप तो रास्ते में, मैं इनके बोल रही थी आप ओम साई राम बोलिए, ओम साई राम बोलिए, ओम साई राम बोलिए, लेकिन कुछ नहीं बोलते। पता नहीं, मैंने बाबा से एकदम प्रार्थना की, बाबा आप क्या कर रहे हैं,
19 दिन बाद मेरी पालकी है और आज आप मुझे ये दिन दिखा रहे हैं, मैं पालकी कैसे करूँगी? या तो अब मैं अपने पास पिता के पास इनकी डेथ के बाद आऊँगी या मैं पालकी खुशी खुशी करूँगी, अब ये निर्णय आपके ऊपर है। बाबा ने पता नहीं कैसे इनको शक्ति दी, क्या दिया, ये ओम साई राम तेज आवाज़ में अनसुनी आवाज़ एकदम अचानक आवाज़ आई और फिर ये बेहोश हो गए। हम हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टरों ने बोला कि जो नहीं है इनका कुछ नहीं है, आप इनको घर ले जाए। लेकिन मुझे विश्वास था अपने पिता के ऊपर कि वो आज भी मेरे साथ है, क्योंकि मेरे अंदर से भाव आ रहे थे ये ठीक हो जाएंगे। जैसे वो मेरे साथ पिताजी कह रहे हैं, नहीं बेटा घबराओ नहीं, ये ठीक है। मैं इनको लेकर अंदर गई, वहाँ पर फिर वहाँ पर लटा के मैं अपने घर में आई। मुझे बाबा की उदी पर बहुत विश्वास है, आज भी होता है, मैं अपने बाबा की उदी पर ही विश्वास रखती हूँ। मैं घर आई, इनको हॉस्पिटल में लटा कर घर आई, घर आकर मैंने बाबा की उदी ली और अपनी बेटी को कोचिंग से लिए मैं फिर गई और बाबा की उदी इनके माथे में रगड़ दी। 3 या 4 सेकंड बाद इन्होंने आंखें खोली, मेरी बेटी से पूछने लगी क्या हो गया। तब इनको कुछ भी नहीं पता था कि उनको करंट लगा हुआ है, उस बीच का टाइम इनको कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर डॉक्टरों ने बोला इनके या तो हार्ट में या इनके मस्तिष्क में कोई असर होगा, हम इनका सारा चेकअप करेंगे। मुझे विश्वास था कुछ होगा, मैंने बोला हाँ आप कर लीजिए। इनको ICU ले गए और वहाँ पर इनका पूरा चेकअप कराया गया। बाबा की ऐसी कृपा रही कि ये बिल्कुल ठीक, और उसे मुझे लगा बाबा ने सही वचन दिए, जैसा भाव जिन रंग वैसा रूप मेरा मन, मेरा भाव उनके पिता के रूप में था, वो मेरे साथ ही उतनी देर पे थे। रीना जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अब जब आपके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो ऐसी स्थिति में अक्सर होता है कि हम अपने आप से आपा खो देते हैं, ऐसा क्या था कि आपको उदी पर इतना दृढ़ विश्वास था कि आप अपने पति को जो कि बेहोश थे ऐसी अवस्था में छोड़कर आप अपने घर चले जाते उदी लेने के लिए, तो इतना ज़्यादा उदी पर आपको भरोसा होने का क्या कारण था, क्यों इतना ज़्यादा भरोसा था? क्या आपको बाबा के जो बाबा का साईं चरित्र है उसमें जो उदी का वर्णन है उसका ज़्यादा विश्वास था, या पहले से कोई उदी का आपके पास और भी अनुभव था? सर, उदी का पहले भी हमें 2 बार अनुभव हो चुका हुआ है, एक बार इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक बार मेरी बेटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। तब डॉक्टर ने बोला था मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए, संडे का दिन था, उसने एक घुंघरू लेकर अपनी नाक में फंसा लिया था। तब वो जो नहीं है सन्ना डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन, मैंने कहा बेटी है ऑपरेशन तो नहीं करवाऊंगी, किसी तरह से ऐसे ही निकला है, मैं बाबा का ही जाप कर रही थी। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे उनके नाक में फंस गई है, सांस लेने में तकलीफ होगी, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र है। मैंने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। साई का कर वो पता नहीं कैसे उदी लगाई और घुंघरू अपने आप ही बाहर आ गया। एक तो ये, एक बार इनका पहले एक्सीडेंट हुआ था उसका भी अनुभव मुझे उदी से ही है, तब भी इनके सिर में और नाक में चोटें लगी हुई थी। डॉक्टर ने बोला था कि इनका काफ़ी सीरियस है, लेकिन मुझे अपने बाबा पर ही, बाबा के वचन और बाबा के साईं चरित्र उदी तीनों में ही मुझे बहुत विश्वास है। बाबा ने जैसे वचन दिए, जैसा भाव वैसा रूप मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा जुड़। बाबा कहते हैं आप तुम मेरे पर विश्वास करो, मैं आऊँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तो बाबा के वचनों पर ही विश्वास और उदी पर विश्वास है। धन्यवाद रीना जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को अपने अनुभव शेयर किए। आपने देखा कि एक बेटी जब अपने पिता पर विश्वास करती है, बिल्कुल वैसे ही रीना जी का विश्वास साईं पर है, और साईं ने भी इनके पति को 2 बार जीवन दान दिया, और बेटी का जहां ऑपरेशन की स्थिति थी वो भी खत्म हो गई। यहां एक बात बिल्कुल यथार्थ होती है कि बाबा की उदी भी अपार काम करती है, और इन्होंने अपने शब्दों के अनुसार इस बात को कन्फर्म किया, बताया कि रियल में होता है। हम ऐसे और भी आपको साईं भक्तों के अनुभव लेके आएंगे जो आपको बताएंगे कि साईं ने उनके किस रूप में उनका साथ दिया, साईं ने किस रूप में उनकी मदद की। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं रीना जी के घर पर और वहां पर मौजूद इनके पति से एक बार बात करते हैं। हमारी सहयोगी मनीषा अभी उनसे बात करेंगी और आपको बताएंगी कि जब उनको करंट लगा तो उनको कैसा अनुभव हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के लिए, उस बार हम बताएंगे रीना जी के पति का अनुभव।
किसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से जुग जुग जिया। खाने में हल्दी कुदरती, लाल मिर्च कुदरती, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके खाने का सफेद नमक कुदरती नहीं है, केमिकल फैक्ट्री में बनता है, ब्लीच होता है। इसलिए सफेद नमक को करो प्योरो हेल्दी सॉल्ट, 100% नेचुरल, 100% कुदरती, पोटेशियम, आयरन और आयोडीन जैसे 84 मिनरल्स युक्त, जो आपके लिए है हेल्दी। तो आज से खाने का नमक बदल डालो, प्योरो हेल्दी सॉल्ट, नमक हेल्दी तो फैमिली हेल्दी। कबड्डी कबड्डी, ये जिंदगी कबड्डी की तरह है, दर्द होना आम बात है। इसी दर्द को खत्म करने के लिए अपनाइए पतंजलि पीड़ांतक पतंजलि बाम। कमर दर्द, कंधे का दर्द और जोड़ों के दर्द से भी तुरंत आराम। कबड्डी 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 कबड्डी, अब आप और आपका परिवार रहेगा हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार। पतंजलि पीड़ांतक और पतंजलि बाम, दर्द का खेल खत्म। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके साथ साई बाबा का कुछ अनोखा चमत्कार हुआ है, तो सबसे पहले जानते हैं उनका नाम। सर क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय जी, हमने सुना है कि आपके साथ साईं बाबा का कुछ अनोखा चमत्कार हुआ है, तो हमारे सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव है और आप अपने अनुभव को हमारे सभी दर्शकों के साथ किस तरह से साझा करना चाहेंगे। मेरे साथ एक्चुअल में पिछले 2016 को 28 जून को मेरे को 11,000 वाट का करंट लग गया था और ऑल ऑफ सडन मैं गिरा हुआ था और माई वाइफ पिक मी अप, वो लेके गई और मेरा यहाँ से काफ़ी पूरा ये एक साइड पूरा पोर्शन फट गया था, उसमें थर्ड डिग्री बर्न्स वगैरह बहुत काफ़ी हो गए थे। वी वेंट टू द हॉस्पिटल और वहाँ हमने लोगों ने जो डॉक्टर वगैरह थे उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत सीरियस है, इनका पहले एंजियोग्राफी कराइए और सीटी स्कैन वगैरह सब कराइए, उनके बहुत कमी हो गई है। इन बिटवीन माई वाइफ ने जो है मेरे को बाबा की उदी शाम को जब ओवाई लगा के दी तो उसके बाद मैं जो हूँ सारे मेरे रिजल्ट्स आए एंड आई इट वाज ओके, मुझे कोई ऐसा परेशानी नहीं हुई। बस 3-4 महीना जो ड्रेसिंग मेरी चली है वही चली है और अदरवाइज एवरीबॉडी इन द हॉस्पिटल सेड के साथ ये तो चमत्कार है, 11,000 वाट का करंट खाने के बाद वो भी मेरे जैसा पतला दुबला आदमी तो ही कुडंट सर्वाइव, बट मैं सर्वाइव किया और इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई चूँकि मेरी वाइफ उनको बहुत मानती हैं इस वजह से हम सब, एक मेरी बेटी है ये और हम लोग भी उसी के आराधना में लगे हैं। बट ये है कि उनका चमत्कार जो है वो साक्षात जो भी हमारे दयाल में थे उस वक्त जो भी हमारे उसी पड़ोसी है उन्होंने देखा है और इसमें जो है वो वाकई में चमत्कार है। अच्छा अजय जी, हमने सुना है कि एक बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ था और उस वक्त भी आप मौत के मुँह से बाहर निकल के आए। वो एक्चुअल में रात को मैं आ रहा था अपने देवा रोड पर तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था, उधर से गाड़ी चली आ रही थी, उस साइड भी नहीं दिया उसने, सीधे उसमें ठोक दिया तो उसमें मेरा सारा ये रात का वक्त था 10:30 बजे, कोई डॉक्टर भी नहीं था तो फर्स्ट एड जो हुआ पट्टी वट्टी बांध के मैं घर आया वापस, तो माई वाइफ वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या हो गया सब, तो उन्होंने बताया कि साहब हेड इंजरीज भी है इधर भी है, अब सुबह जब खुलेगा तो दिखाना पड़ेगा। फिर रात भर वो बैठी रही, उन्होंने फिर वही उदी उदी लगाई, इधर उधर सब प्रे किया और सुबह जब मेरे यहाँ पट्टियाँ खोली, एक्सरे वगैरह लिया गया नाक का इधर का और एक खाली माइनर फ्रैक्चर इस उंगली में आया, बाकी सब भगवान ने फिर वही ठीक कर दिया। तो मेरे साथ तो 2-3 बार हो चुका है तो बट अब यह है कि उनका चमत्कार ही है ये। तो कहा जाता है कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, ऐसा ही भरोसा अजय जी के परिवार को था और उसी की बदौलत आज साईं बाबा के चमत्कार कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आज अजय जी का परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है और साईं बाबा की आराधना में लगा हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ मनीषा सिंह, सी न्यूज लखनऊ। आपने देखा कि जैसा रीना जी ने बताया बाबा पर उनका विश्वास और वैसा ही इनके पति ने बताया
कि इन लोग, इन पूरे परिवार का बाबा पर कितना विश्वास है। इनके लिए बाबा बिल्कुल पिता के समान हैं, इनकी बेटी के लिए बाबा नाना के समान हैं, यानी कि बाबा से लोगों ने अपने अलग अलग तरह के रिश्ते बना रखे हैं और बाबा भी उन रिश्तों को कैसे निभा रहे हैं, ये तो वही जान सकता है जिसने ये अनुभव स्वयं किए हैं। हम और सारे अनुभव लेकर आएंगे आपके साथ, हम आपको और साईं भक्तों के अनुभव लेकर आएंगे। हर बार हम आपको ऐसे एक साईं भक्त से मिलाएंगे जिसके जीवन में बाबा का किसी न किसी रूप का खास तरह का अनुभव है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।